वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसी सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कहा जाता है धरती पे साक्षात अगर भगवान है तो गौ माता है। एक माँ जो बच्चे को पैदा करती है, एक औरत, वो 6 महीने 12 महीने 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता वो माता है जो हमें जीवन भर दूध पिलाती है और बदले में हम उनको केवल कचरा खिलाते हैं। खेती में जो कुछ कचरा बचता है वो गौ माता खाती है और अमृत के समान दूध देती है, दही देती है, घी देती है। और गौ माता के बिना सनातन धर्म में कोई भी जो है अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता है। लेकिन आज गौ माताओं की दुर्दशा है। पहले लंपी वायरस ने गौ माता को मारा था और अब अगर कोई सहारा है तो गौशाला है। मैं इस समय सांडवा की श्रीराम गौ सेवा समिति का दृश्य दिखा रहा हूँ, आजाद गौ सेवा समिति का, जहाँ पर लूली लंगड़ी बीमार गायों की सेवा की जाती है और गायों के सहायतार्थ एक कथा का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें परम पूज्य हरिशरण जी महाराज, जो कि परम गौ भक्त है, उनके मुखारविंद से कथामृत का पान भक्त कर रहे हैं। और इस कथा में जो भक्त आएंगे, जो सहयोग करेंगे, उसी सहयोग से इन गौ माता की सेवाएँ की जाती है। लोग अनेक आरोप लगाते हैं गौशालाओं पर, लेकिन मैं आज एक निवेदन करूंगा। जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये अच्छी सेवा नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं, एक बार 10 दिन आप खुद गौशाला में जाकर सेवा करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि गौशाला संचालित करना कितना मुश्किल कार्य है। आरोप लगाना किसी पर, छींटा किसी करना अलग बात है और खुद जाकर गौ सेवा करना अलग बात है। तो गौ सेवा का कार्य करें, क्योंकि गौ माता साक्षात भगवान है। आइए दिखाते किन विपरीत परिस्थितियों में ये गौशाला सेवा का कार्य कर रही है। श्री राम गौशाला सेवा समिति सांडवा का दृश्य आप देख रहे हैं। गौशाला में देव गोसाई मंदिर भी है, बहुत सुंदर ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है। श्री राम गौशाला समिति सांडवा का दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर लूली लंगड़ी बीमार गायों की सेवा होती है, दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा की जाती है। कि किस दशा में ये गायें जो दुर्घटना का शिकार हो जाती है उनकी सेवा यहाँ पर की जाती है। बहुत सारी गौ माताएँ हैं, नंदी भी है सांडवा की इस गौशाला में। बहुत अच्छी सेवा गौ माता की हो रही है। गौ माताओं को लोग घर से निकाल देते हैं, क्योंकि जब तक दूध देती है गौ माता तब तक सेवा होती है, उसके बाद में गौशाला ही इनकी सेवा करती है। ऐसी गायें हैं, देखिए सांडवा गौशाला का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में गौशाला फैली हुई है। छोटा सा बच्चा भी गौ सेवा का कार्य कर रहा है। बहुत साफ सफाई रखी जाती है गौशाला में। लंपी में आधी से ज्यादा गौ माताएं खत्म हो गई थी। देखिए इस गौ माता पर अभी भी लंपी बीमारी के लक्षण आप देख सकते हैं। ये गांठें पहचानती है उस बीमारी की। छायादार टिन सेट लगे हैं ताकि गौ माताएं छाया में खड़ी हो सके। लगभग 400 से ज़्यादा गायें इस गौशाला में हैं जिनकी सेवा हो रही है, जिनमें नंदी भी बहुत है। बहुत ही साफ सुथरे गौ माताओं के ठान आप देख रहे हैं। मित्रों, श्रीराम गौशाला समिति सांडवा गांव से काफ़ी दूरी पर पड़ती है और आज जो युवा यहां पर आकर सेवा करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि अनेक बार इस गौशाला पर आरोप लगे हैं कि यहां पर सेवा अच्छी नहीं होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन पुनः मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो आरोप लगाते हैं कि आप 5-7 दिन आकर सेवा करके देखिए कितना मुश्किल कार्य होता है। लोगों से पैसा इकट्ठा करना, मांगना और फिर गौ माताओं की सेवा करना, तो हमें आरोप लगाने से पहले खुद सेवा करके देखनी चाहिए, फिर हमें किसी पर आरोप लगाएं। हो सकता है लोग करने हैं, लेकिन गौ माता साक्षात भगवान है। अगर कोई गौ माता का पैसा खाता है तो उसका परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और गौशाला का और गौ माता का जो सेवा का कार्य करते हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। कलश यात्रा मंदिर से रवाना हो रही है, सीताराम जी के मंदिर से। पांडव का दृश्य आप देख रहे हैं, विराट कलश यात्रा का नजारा।
परम पूज्य हरिशन जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं, जिनके पावन सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा आयोजन हो रहा है। हमारा श्री भाव से नृत्य कर रहे हैं। पांडवा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा निकल रही है। Thank you.
जाती है। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। सांडवा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली जा रही है परम पूज्य हरिशरण जी महाराज के सानिध्य में। बहुत ही सुंदर नजारा आप देख रहे हैं सांडवा गांव से। महाराज श्री खुद नृत्य कर रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर दृश्य राजस्थान के चुरू जिले के ग्राम सांडवा से देख रहे हैं। भक्त पुष्प लेकर खड़े हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। ये सांडवा का गढ़ आप देख रहे हैं। ये कथा स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं तापड़ी हवेली के पास। इस समय मैं राजस्थान के चुरू जिले के सांडवा का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज से गौ माता की सहायतार्थ गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और अभी बहुत ही सुंदर कलश यात्रा यहां पर निकली थी, जिसके प्रमुख यजमान बुद्धा राम जी मेघवाल और श्याम सुंदर जी पारिक ये यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म के श्रेष्ठ संत परम पूज्य हरिशरण जी महाराज के मुखारविंद से हम सब कथामृत का पान करेंगे। बहुत ही सरल संत है, आप देख रहे हैं किस तरह से आपने ये तक मना कर दिया कि कोई बग्घी कोई रथ नहीं मंगाना है, क्योंकि जो पैसा आता है वो गाय के सहायतार्थ लगना चाहिए। आज सनातन धर्म को ऐसे संतों की आवश्यकता है। तो पहला कमेंट में परम पूज्य महाराज श्री से लेना चाहूँगा। पूज्य महाराज श्री, सबसे पहले आपको नमन करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे गाँव में जिस तरह से भक्त युवा खासतौर से गौ सेवा के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, बड़ा ये अच्छा लक्षण है कि सब तरह से जागृति आ रही है। आज मैं देखता हूँ बच्चे बच्चे जय श्री राम कर रहे हैं, हाय बाय की जगह राधे राधे कर रहे हैं। तो बच्चे कुछ थोड़े से भूल गए हैं, परंतु फिर से उनके जागृति आ रही है
भगवान राम की भी कृपा बरस रही, हमारे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, और इस तरह के शहर में भी कथा हो, भागवत कथा हो, तो वहाँ के जो आसपास के स्कूल हैं वो थोड़ा घंटे भर का अगर समय इस तरह से निकालें, उनके बच्चे और अध्यापक इस हमारी परंपरागत अनादिकाल की हमारी परंपरा है रामकृष्ण की सनातन की, उसमें कुछ क्षण के लिए अगर सम्मिलित होंगे बच्चे तो इनको बड़ा एक संस्कार पड़ेगा भक्ति का और सेवा का, सच्चे मानव ये बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे नेता बने, जो भी बने आज बच्चे श्रेष्ठ बने, सेवक बने, सेवक बने, तो इस बात की बड़ी आवश्यकता है आज। तो मेरा यही प्रयास रहता है, गांव में विशेषता से पात्र होते हैं हमारे भोले भाले बहन भाई होते हैं, परिश्रम से मेहनत करके अपना अन्न उगाते हैं, धन कमाते हैं और बड़ी सरलता से अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत कोई ऐसी सुख सुविधाएँ भी नहीं होती है, इसलिए इनका जीवन तपोमय होता है, बड़ा पवित्र होता है। मैं संत महापुरुषों से भी कहूँगा कि वह गाँव का भी रुख करें, बड़े बड़े शहरों में आते हैं परंतु गाँव के लोग इस बात से वंचित रह जाते हैं, उनके वचनों से, अमृत इस कथा से वंचित रह जाते हैं। तो संत महापुरुषों को गाँव में आना चाहिए और बिल्कुल कम से कम खर्चे में भागवत कथा का अधिक से अधिक लाभ हो सके, कम से कम खर्चे में। आज कुछ ऐसा भी देखने में आता है कथा बहुत महंगी महंगी हो जाती है, करोड़ों करोड़ों में खर्चे हो रहे हैं, तो भाई बड़ी बड़ी पार्टियां तो करा सकती है, भोले भाले लोग कहाँ है बड़े बड़े आयोजन करा सकेंगे, 2 करोड़ 2 करोड़ की तो मामूली सी बात है, ऐसा खर्चा हो जाता है। इसलिए मैं संतों से यही निवेदन करूंगा, मेरे सब साथियों से भी, कि गांव में भोले भाले जीवों के लिए सस्ते से सस्ते स्तर पर इनको कथा सत्संग मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को सत्संग के, सनातन के, भक्ति के भाव इनको प्राप्त हो, संस्कारवान हो, ऐसा मैं सब संतों से, वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा। गांव में आना चाहिए, हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज गांव-गांव पैदल टोलते थे और बिल्कुल भिक्षा करते और बस सत्संग का, हरि कथा का, बस गंगा बह जाती तो स्नान करती दुनिया, उनका बड़ा लाभ आज जन जन में हो रहा है। तो इस तरह से तब सनातन का भी प्रचार होगा, भक्ति का भी प्रचार होगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी बड़ी सरलतापूर्वक, बड़ी भीतर से, क्योंकि सिद्धांतों का प्रचार केवल वर्णन से नहीं होगा, केवल हम वर्णन करते रहे तुम ऐसा करो वैसा करो, अरे उन सिद्धांतों का चित्र हमारे जीवन में दिखना चाहिए, तो उससे लोग पकड़ते हैं बात को, उससे लाभ ज़्यादा होता है। तो इन बातों को हम स्वयं धारण करें और फिर वाणी से भी कहें, जीवन से भी कहें, तो निसंदेह युग बदलेगा, मानव बदलेगा ना तो युग बदलेगा। एक कहावत है कि चांद ना बदला, सूरज ना बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। जब मानवता नीचे उतरती है तब युग खराब होता है, और जब मानवता आती है, हम मानवता के मूल्यों को सब धारण करते हैं तो वैकुंठ हो जाता है, सतयुग हो जाता है। तो हम बदलेंगे, अच्छे होंगे, तो युग अपने आप अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, गांव और घर सब अच्छा होगा, घर भी अच्छा। बहुत ही सुंदर विचार तुझे महाराज श्री ने कहे, और बड़ी बात ये कही कि कथाएं महंगी हो रही है, गाँव में कथाएं होनी चाहिए, बड़े बड़े महानगरों में करोड़ों रुपए की कथाएं हो रही है, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव के परम पूज्य हरिशरण जी महाराज गाँव में जाकर कथाएं कहते हैं, सरल ढंग से कहते हैं, और सबसे बड़ी है कि एक विश्वास रखें कि भगवान ही है और कोई चीज़ सत्य नहीं है। कोरोना काल के बाद में आप देख रहे हैं किस तरह से 30 35 40 साल के लोग सेकंडों में जिनके प्राण जा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर सत्य नहीं है, अगर कोई सत्य है वो भगवान का नाम है। ये बहुत ही सुंदर विचार है, और मैं निवेदन करूंगा कि सांडवा की कथा में आप भाग लें, और गौ माता के सहायतार्थी आयोजन हो रहा है तो आप जितना हो सके गौ माता के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। बुद्धमल जी मेघवाल जो कि यजमान है, उनसे भी कमेंट लेंगे, कितना अच्छा लग रहा है, दिव्य कथा हो रही है, उसमें आपको यजमान बनने का मौका मिला है। हाँ था ठीक है, गौ वास्ते सगला नहीं भयाने प्रोग्राम करना चाहिए, कथा सुनने सब लोग आना चाहिए, बहनों बहन भाया माता सब लोग आ जाओ। बहुत छोटी सी शब्द में बात करी कि सबको कथा सुननी चाहिए, बहने भाई माता बहन सभी कथा सुनने के लिए आए, जमीन से उठे आदमी है, लेकिन देखिए इतने बड़े आयोजन में आप यजमान बने हैं। श्याम सुंदर जी से भी बातचीत करेंगे, जय श्री राम जय श्री कृष्णा, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज हमारे गाँव में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है गौ माता के लिए, और आज हम पूरा समाज, हर समाज, इसमें ये नहीं है कि वो पूरा गांव का जो समाज है वो समाज सब एक साथ मिलके और आज हम लोग ये कथा करा रही है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, जो भी हम लोग को पैसा आएगा, जो भी गौ माता के लिए आएगा, और हम लोग सब गौ माता के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही कि जो कुछ करें गौ माता के लिए कर रहे हैं, और 36 कौम के लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण भी है, मेघवाल भी है, वाल्मीकि समाज भी है, हर समाज, यानी चाहे OBC हो, चाहे ST हो, या कोई भी हो, उसमें कोई भी जाति पाति नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। और आज हमारे देश को इस चीज़ की जोत
जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाकर हमें जमीन पे भेजा है, जाति पांतियां तो हमने बनाई है। तो ऐसे में एक सुंदर आयोजन पूज्य महाराज श्री हरिशरण जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, तो सभी से निवेदन करूंगा कलश यात्रा के साथ आज 7 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। नित्य 12:15 बजे से 4:15 तक कथा होगी। तो महाराज ये भी कह रहे थे कि 365 दिन भागदौड़ रहती है, कोई अस्पताल में है, कोई कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, कोई थाने में है, लेकिन भगवान के दरबार में भाग्यशाली लोग जाते हैं। तो 7 दिन का अवसर मिला है, इसका पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य करें।